देख रहे हैं पीटीएनआई न्यूज चैनल। पूर्ण लॉकडाउन के समय के सभी कौटुंबिक ढोलक कारोबार, छोटे उद्योगों व किसान दुकानदारों व 2 किलोवाट के सभी घरेलू कनेक्शनों के बिल माफ किए जाएं। चेकिंग के नाम पर किसानों व गरीबों का उत्तरण बंद किया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की सिंचाई के समय को देखते हुए 18 घंटे बिजली दी जाए। लोगों के बिल सही करने के लिए विशेष काउंटर की व्यवस्था की जाए। समाजवादी पार्टी के समय से प्रस्तावित 220 किलोवाट के बिजली घर का तुरंत कार्य चालू कराया जाए। रेहरा में 132 नए बिजली घर का निर्माण कराया जाए। इससे 33,111 किलोवाट बिजली घरों के समय से विद्युत आपूर्ति मिल सके। यदि इन बिंदुओं पर सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है तो समाजवादी पार्टी एक बड़ा जन आंदोलन करेगी। इस मौके पर संदीप गुजर, जावेद जरताब, फैसल अलवी, विक्की अब्बास, बदर कुरैशी, यूसुफ कुरैशी, शकील चौधरी, आरिफ अख्तर, कमाल अख्तर, सलीम चौधरी, विक्की अब्बास आदि लोग मौजूद रहे। जो आज आप यहाँ पर आए क्या मामला? 24 तारीख को केंद्र सरकार द्वारा जब पूर्ण लॉकडाउन लगाया गया, उसके बाद से पूरे हिंदुस्तान के अंदर, हमारे जनपद के अंदर भी सभी उद्योग धंधे, क्या है, कॉटन वेस्ट का उद्योग हो, ढोलक उद्योग हो, जो दुकानदार थे या जो, सारी गतिविधियाँ बंद हो गई। उसके साथ साथ लोगों को बेरोजगारी, लोगों को काम धंधा सब चौपट होने के बाद आर्थिक तंगी का उन लोगों को सामना करना पड़ा। अब बिजली विभाग द्वारा इतने बड़े बड़े बिल लोगों को, दुकानदारों को दिए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने मांग करी है कि जो बिजली के बिल 4 महीने लॉकडाउन का समय था उसको ख़त्म कर दिया जाए, या जो बिल है जो आज दिया जा रहा है, सब लोग जानते हैं कि 100 यूनिट का अगर बिल है, गरीब आदमी से बिजली विभाग एकदम लूट पर उतारू है, क्योंकि 100 यूनिट का बिजली का बिल जो है वो 3.5 रुपये के हिसाब से चार्ज होता है। अगर 100 यूनिट से ज़्यादा का बिजली का बिल होगा तो वो 7.5 रुपये के हिसाब से यूनिट होगा, क्योंकि लॉकडाउन के अंदर बिजली विभाग द्वारा हर महीने बिल नहीं दिया गया। एक साथ 4 महीने का बिल दिया जा रहा है तो 7.5 रुपये चार्ज किया जा रहा है, वो सीधा का सीधा 3,000-3,500 रुपये का, 5,000 रुपये का गरीब लोगों पर बिल जा रहा है, जो उनके साथ नाइंसाफी है। समाजवादी पार्टी मांग करती है कि पहले तो जो भी कॉटन वेस्ट के कारखानों ने जो 4 महीने बंद रहे, जो ढोलक कारोबार बंद रहा, जो यहाँ के उद्योग धंधे बंद रहे, किसान की जो सिंचाई नहीं हुई या दूसरी चीज़ें जो बंद रही हैं, जो दुकानें बंद रही हैं, उन सब का 4 महीने का बिल जो है माफ़ किया जाए, सरकार माफ़ करे, या कम से कम उनको इतने राहत देने का काम करे कि जो 7.5 रुपये पूरे हिंदुस्तान में सबसे महंगी बिजली दी जा रही है, उसे मिनिमम चार्ज करके उन लोगों से बिल लिया जाए। दूसरी हम लोगों की मांग है कि आज सिंचाई का समय है, किसान, गरीब किसान 2-3 घंटे बिजली मिल रही है, उसकी फसल चौपट हो रही है। ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटे बिजली दी जाए। जो चचौरा 220 का बिजली घर समाजवादी पार्टी के समय प्रस्तावित किया गया था, ज़मीन एक्वायर हो गई लेकिन अभी तक बिजली घर पे काम नहीं हुआ, उसे तुरंत चालू किया जाए। रेहरा के अंदर 132 का बिजली घर तुरंत बनाया जाए, जिससे वहाँ लोगों को सहूलत मिल सके। और दूसरी समस्या ये है कि चेकिंग के नाम पर जिस तरह से आज बिजली विभाग के आदमी वसूली के नाम पर जिस तरह से मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं गरीब किसानों के, गरीब लोगों के, और उन्हें उत्पीड़न किया जा रहा है बिजली विभाग का, उसे तुरंत रोका जाए। यदि ये सब नहीं होता है तो समाजवादी पार्टी बड़ा आंदोलन इस बिजली विभाग के खिलाफ और बिजली के खिलाफ चलाने का काम करेगी। मोहम्मद जावेद चौधरी, PTNI न्यूज़, ब्यूरो चीफ, हसनपुर, जिला अमरोहा, उत्तर प्रदेश।